कहां ले जा रहे हो? कि मथुरा। गोपियों आपस में बात करवा लगी कि आ कौन छे के जे हमारा प्राण प्रियतम ने, प्राणनाथ ने हमारा थी दूर लई जाय छे। बोली गोपी के आ जे लेवा आयो छे नेनु नाम अक्रूर छे। अरे कोने आनु नाम अक्रूर राखी दीधो? आ तो केटलो क्रूर छे जे मारे मन नी वेदनाओ ने नथी समझतो, हमारा प्राणनाथ ने हमारा थी दूर लई जाय छे। अहो विधाता स्वम न क्वचित दया संयोज मेत्रा प्रणयेन देहिना। विधाता ने कोसवा लागी के अहो विधाता, आ तारी केवी लीला छे? पेला तो तू संयोग करावे छे ने पछी एनो ज विरह आपे छे। ठाकुर समझावे छे कि मार्ग दो, हम जल्दी आएंगे। मार्ग आप्यो, जिम रथ आगळ चाल्यो। जे गाय नी सेवा नित्य ठाकुर जी करता, जे गाय ना आंखों माथी अश्रुपात थी रहा छे। शब्द तो है नहीं वाके पास, पर आंखों में से आंसू बहते जा रहे हैं। हवे कौन मारी सेवा करसे? कौन मने लई जसे? वृक्ष पर बैठेला बधा पशु पक्षीओ शांत ये वो मौन धारण करीने कि अब हम कौन बंसी बजाएगो, और मयूर सोचे कि अब हम कैसे कौन के आगे नृत्य करेंगे। सबकी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। ठाकुर जी आज ब्रज छोड़ के जा रहे हैं। धीरे धीरे रथ आगड़ गयो। गोपीजन उभा छे क्या के पाछा आवी जाए। ज्यार सुधी रथ देखातो रह्यो त्यार सुधी गोपीजन उभा रह्या, रथनी धजा देखाती रही त्यार सुधी उभा रह्या। दूर दूर रथ निकली गयो। यशोदा जी वा गोपीजनों विचार वाला गया कि हवे हमें शू करीशु, ठाकुर अब पधार गए, अब हम क्या करेंगे। ब्रज के विरही लोग विचार, ठगे से ठाड़े आम उभा उभा जोता जाए छे। हवे हमें शू करीशु? आपणे हवे काल थी एज विचार करीशु ने, आ छठो दिवस, काले सातमो दिवस, कथा पूरी पछी पाछा आपणे आपणा घर मां। बाकी रोज तो समय क्यां निकली जाय, पहोंचवानुं छे कथास्थल मां, कथा श्रवण करवानी छे। एक एक दिवस क्या निकली कोई खबर न पड़ी। अब एक विचार के काल भी शू करीशु, वापिस जैसे थे ऐसे अपने घर में।
वचन ठाकुर जी आप ही ने गया मैं आऊंगो, वही वचन पे विश्वास रख के गोपियां वही वचन उनके जीवन को प्राण बनो। ठाकुर को अक्रूर जी पधरा के ले गए, फिर अक्रूर जी ने प्रभु की स्तुति करी। मथुरा भगवान पधार्या, त्यां सुदामा जी माली कुब्जा बधाने मनोरथ पूर्ण कर्या, धनुष नो भंग कर्यो, कोलियापीड हाथी नो भगवाने उद्धार कर्यो, चाणूर मुष्टिक साथे युद्ध कर्यो, इनो उद्धार कर्यो, अने त्यां एज रंगभूमि मां रंगशाला मां सभा ने मध्य मां कंस नो भगवाने
उद्धार कर रहे हो। कारागृह माथी उग्रसेन राजा माता पिता ने मुक्त कराया, उग्रसेन फरीथी राजा बन्या। वसुदेव देवकी जीए यज्ञ पवित्र संस्कार कराया, पछी विद्या अध्ययन माटे बन्ने बाड़कों ने सांदीपनी आश्रम में मोकल्या। त्यां भगवान ने 64 दिवसों में 64 प्रकार की विद्याओं सीखी अने पछी आप मथुरा में ज रह्या, राजभार संभाळ्यो। अने पछी ब्रजनु स्मरण करता यशोदाजी ग्वाल बाल ब्रज भक्तों नु स्मरण करता, ब्रजनी ओर दृष्टि करता आप बिराजा हता। अने त्यां उद्धवजी ने भगवान ने बोलाव्या, अने उद्धवजी प्रभु ना अनन्य भक्त छे, सखा पण छे, पण साथे एक अभिमान एमनी अंदर छे ज्ञान नु। तो एमने उत्तम प्रकार नो सत्संग आपवा माटे संदेश लईने એમને આજ્ઞા કરી કે આપ બ્રજમાં જાઓ। ઉધો મોહે બ્રજ બિસરના, વૃંદાવન ગોકુલ વન ઉપવન સઘન ब्रज की याद आ रही है, तुम ब्रज में जाओ। वह यशोदा ग्वाल बाल के संग खेलते, वह कुंज वन उपवन, ऐसो करो उधो तुम जाओ। जैसो मैं व्याकुल हूं, ऐसे गोपी जन भी बड़े व्याकुल हैं, उनको जाके तुम सांत्वना ना दो। कहा से कृष्ण ने उधव से तुम वृंदावन, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़पती है आह भर कर, रो रो कर बस यही कहती Krishna।
तुम्हारे लिए गोपियों एक संदेश लेकर आए। ज्यां संदेश नी वात आवी ने हवे गोपियों नु मन अति व्याकुल थयो कि हवे ई एटला मोटा थई गया कि अमारा माटे संदेश लईने मोकले छे। आ दूत ने मोकलवा लायगा पोते आवी न शके। ज्यां संदेश नी वात आवी ने एवो हृदय मां भाव थयो ने एज समय एक भ्रमर गुनगुन करता भंवरा वहां पे आ पहुंचा। भौरा वहां पे आया, उनके पैरों को छूने लगा। क्या पैरों को स्पर्श करियो त्या जे गोपी ए भ्रमर ने अटकावता। उद्धव जी ने घणो खरी खोटी संभळावी, एक गीत नु नाम भ्रमर गीत। मधु बकित व बंधो माम सुशांग्रे समत्या उच विनुनित माला कुंकुम अश्मेर वहुमतिपते सन् मानिनीना प्रसादम् यदु सोदंसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्व पेद्रु। चरण ने स्पर्श करो त्या भ्रमर ने अटकाव्यो, ए भ्रमर तुमने स्पर्श न कर। हमें जोइए छे के मथुरा नी जे गोपीजनो छे एना द्वारा कृष्ण ए धारण करेली वनमाला, ए मसलेली वनमाला ऊपर तू बेसी ने आव्यो छे। ए वनमाला नु केसर तारी मूछ पर लाग्यो छे अने ई केसर तू हमने स्पर्श करावे ई हमें सहन न करी सकी। ए भ्रमर जेवो तू काळो छे एवो तारा नाथ ए कृष्ण पण काळा छे। જેમ ભ્રમર એક રસ એક પુષ્પ ઉપર ન ટકે એવી રીતે તું પણ એક જગ્યાએ નથી રહેતો। એક પુષ્પ પર રસ લઈને એ બીજા પુષ્પ પર જાય છે એવા જ તારા નાથ છે। અમને આવીને એના ગુણગાન નહીં સંભળાવો, એ તો મથુરાના ગોપીઓના નાથ છે તો યદુપતિઓને આગળ એમના ગુણગાન ગાઓ। એમ પણ એમના જીવનમાં ગુણગાન છે કે એમના જીવનમાં કપટ તો કપટ ભરેલું છે। બોલી શુંખ નખા એ પ્રેમના વશ થઈને આમની પાસે આવી અને આમને શું કર્યું? રામ અવતારમાં પણ કોઈ આમને સારા કામ નથી કર્યા। એક પત્નીના મોહમાં આવીને એના નાક કાન કાપી નાખ્યા, તદ્રૂપી બનાવી દીધી। અરે ઓલો વાલી એના ભાઈ સાથે લડતો હતો ને છુપાઈને વાલીને મારી નાખ્યો। આ કપટ જ આને કરતા આવડે છે।
શું એના ગુણગાન અમારા આગળ ગાય છે? અરે આ બ્રાહ્મણ બનીને આવ્યા તો કઈ સારું કામ નથી કર્યું, એટલે બલિ રાજા તો ત્રણ પગ ભૂમિ આપવા માટે તૈયાર થયો, આવ્યા તો વામન બનીને, જ્યારે લેવાનો સમય આવ્યો તો વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. અરે આના જીવનમાં કપટ અને કપટ છે, અને ઈ કપટના ગુણગાન ક્યાં અમારી આગળ કરે છે? બંધ કરો આ કથા કરવાનું. અરે આ કથાકારો તો કથા કરી કરીને એને તો લાંચ ખાધેલી છે કે ભાઈ તમે ગામ ગામ જાઓ, કથા સંભળાવો, ભક્તોને મારામાં પ્રેમ કરાવો, અને એના લીધે તમને મુક્તિ આપી.